लाइनअप देख लो हमारी बाइकों का, लाइनअप अप हो गया और यहाँ पे जिसको फोटो भी चाह रहे वो फोटो भी चाह रहे और जिसको देख लेना वो देख लेना। सो हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नया ब्लॉग में। तो ये रही हमारी द बी बॉम्बल बी ब्यूटी और अभी हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं, ठीक है। और आज संडे है तो हम लोगों ने सोचा एक राइड कर लिया जाए। तो कुछ देर में अभी एक को मैंने फ़ोन करा वो आ रहा है, उसके बाद ओम आएगा यहाँ से, फिर हम लोग निकलेंगे कमता के लिए, ठीक है। और क्या लुक लग गए यार ट्यूब का, मतलब साफ जो एजेस होते हैं ना वो कमाल के होते हैं। और मेरी थोड़ी बाइक्स गंदी है क्योंकि कल मेरे को टाइम नहीं मिला था इसको वॉश कराने के लिए, तो थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। और चलो अभी उनका वेट करते हैं, फिर उनको उनके आने के बाद निकलते हैं फिर यहाँ। तो मैं अभी पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ और मेरे को फ्यूल डलाना था, ठीक है। और वो देखो सामने, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये एक CVR और एक ट्यूब 200, मतलब दोनों आ चुके हैं। और मेरे को फ्यूल डलाना है तो मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। कहाँ गए भाई फ्यूल वाले भैया? अरे भैया आयुष वर्मा, भैया बिग फैन, आयुष वर्मा हो रहा। चलो निकलो ना, लेट कर रहे हो। हाँ तो उड़ो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और टाइम हो चुका है 5:30, मतलब 5 बजे वहाँ पे मीटअप था और कमता पे, लेकिन हम लोग ऐसे ही आधे घंटे लेट हो चुके हैं। लेकिन मुश्किल से मुझे लगता है कि हाँ 10 to 15 मिनट मैक्सिमम लगेगा यहाँ से कमता पहुँचने में, बिकॉज़ यहाँ से कमता मेरे को अप्रॉक्स 20 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो 15 मिनट में आराम से कवर कर लेंगे 20 मिनट, क्योंकि रोड जो है ना भाई बहुत ख़तरनाक, मतलब एकदम मस्त है और सुबह का टाइम जानते हो भाई खाली रहता है, तो कोई इशू नहीं है, कोई जाम का कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। अब भागने वाले 120 से लेकर 150 तक CVR, तो भाई चल ये भाई क्या चला रहा है। तो अभी आ चुके हैं शहीद पथ पर और भाई यहाँ का मतलब शहीद पथ का माहौल ही एकदम खतरनाक वाला होता है। ये देखो CVR भाई साउंड। और मैं अभी तक ट्रैफिक की बात कर रहा था कि भाई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। और भाई ऊपर में देखो, ऊपर में देखो, मतलब मैं शहीद पथ पे चल रहा था तो उस ऊपर में इतना लंबा वाला ट्रैफिक जाम लगा है, हम लोग को यूटर्न लेके पीछे उतरना पड़ा, मतलब साइड में जो सर्विस लेना था उस पर हम लोग चल रहे हैं। और भाई बढ़िया पाँच बजे कौन कोई नहीं आने वाला था, मुझे पता था, इसलिए मैं बोल रहा था 6 बजे तक। बाकी और बंदे का है। तो अभी आ चुके हैं यहाँ पे R15, R310, CVR तो और ड्यूक और NS, ये हो गई मतलब ऑलमोस्ट सारे बाइक आ गए, ठीक है। और एक दो का वेट कर रहे हैं, उसके बाद देख लो, मतलब अगर आपको कैमरा एंगल में आ रहा है तो देख लो। और एक दो और बाइकर्स आ रहे हैं, उनका वेट करें, फिर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और एक कोई पुलिस वाला जो सामने देख रहे हो वहाँ है, वहीं पे खड़े हम लोग निकल रहे हैं। हाँ वहीं पे इस साइड में खड़े हो जो देखना ज्वाइन कर रहे हैं। और भाई अभी देख लो, मतलब मैक्सिमम बंदे आ चुके हैं, एक दो बंदे पता नहीं आ रहे हैं, वो डायरेक्ट वहाँ पे आएंगे, इंदिरा डैम आएंगे। क्या कान फाड़ देता है भाई इसका इतना लाउड एग्जॉस्ट, हेलमेट में जब कान फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं तो सोच लो विदाउट हेलमेट में क्या हाल हो रहा होगा।
बाकी लोग का। अगर किसी के बगल में जाके इससे बुम मतलब एग्जॉस्ट ले लो तो भाई बंदा 100% है कि वो डर जाएगा। और आज की जो राइड है वो एकदम पास की राइड है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। तो थोड़ा सा इंडर डैम जाएंगे, उसके बाद एक रेस्टोरेंट जाएंगे, कैफे टाइप, वहाँ पे कुछ चावा या नाश्ता वास्ता करेंगे, दैन फिर वहाँ से निकल जाया जाएगा सभी लोग। ठीक है, और जब भी भाई पता है मूड खराब हो, ठीक है, तो निकल जाओ अपने ड्यूक को लेकर एकदम सोलो राइड के लिए। ड्यूक क्या मतलब, जिसके पास जो भी सुपर बाइक है, सुपर बाइक मैं बता रहा हूँ, जिसके पास जो भी बाइक है 100 cc से ऊपर, निकल जाए एकदम और कान में लगा ले हेडफोन या ईयरफोन जो भी है, थोड़ी सी हल्की सी म्यूजिक, भाई क्या वाइब्स आएंगे मैं बता नहीं सकता। और जो मूड है ना वो तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा। और अभी थोड़ा शाम का टाइम होता ना, थोड़ा मतलब रोड पे ज़्यादा पब्लिक होती तो क्या अलग ही गजब का रिएक्शन मिलते वो एज्यूम करते हैं, मतलब एकदम ख़तरनाक वाली। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शायद नहर पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से शायद एकदम पूरा 360 रोड है, टर्न है, तो देखना क्या ख़तरनाक वाली एकदम लीन करी मैं लीन करूँगा। ठीक है, मैं क्या मतलब इतने सारे बाइकर से सारे लीन करने वाले एकदम तगड़े वाले एकदम। वो आयुष वर्मा और अभिषेक यादव अभी जाएंगे ऊपर में, बिकॉज 360 का सबको वीडियो बनाना है। ये क्या कर रहे हैं भाई, मतलब इतने अच्छी लीन को यार शॉर्ट लीन कर दिया, मतलब थोड़ा सा इतनी अच्छी मस्त वाली लीन थी एकदम। हाँ हाँ ठीक है, तो अभी बाइक चेंज हो गई। भाई सभी आगे निकल गए, ठीक है, और मेरे पास है 650 cc। माय गॉड, फायर की तरह एकदम, ब्लेड की तरह, क्या बताऊं तेरा 200 मतलब स्पीचलेस एकदम, मैं मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। ऐसी फीलिंग आ रही है एकदम तगड़ी वाली भाई। भाई अभी ये ओवरब्रिज से नीचे चला जाए, फिर इसकी एकदम स्पीड टेस्ट करा जाए कितनी भी स्पीड जा रही है। Bye.
सॉरी ताजा खबर में भुवन बाम का एक डायलॉग है, मेरे को कार चाहिए, मेरे को अभी कार चाहिए, वो वाली फीलिंग आ रही है अभी। निकल, मेरे को वाली फीलिंग आ रही है कि अरे तो चलना सीधे चल चल। और भाई क्या है यार, मतलब यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है जिसकी वजह से धूल देख रहे हो भाई, सामने वाला दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर। ओफ आराम चलते, जब मैं 200 के स्पीड में था, 200 के स्पीड प्लस था उस समय भाई, मैं एक बम्प आया, मैं बम्प पे पूरा जंप कर गया था। पब्लिक रिएक्शन चेक करो, वो सर देखो लौटे सब खुश। एक बार इसको वहां पे ज्यादा तेज स्कूटी थी क्या फ्लाईओवर पे जब चढ़ रही थी तो? उस समय मैं 200 प्लस की स्पीड में था वे। भैया देखो सॉकर तेल हिलना टूट गया, तेल मैंने एक तो मैंने पता भी नहीं चलेगा सॉकर स्पीड टूट गई थी। अरे कुछ नहीं, वो उसको सीधा कर दो वे, तो उसको कौन करेगा, ये तुम्हारी गाड़ी है भाई। लाइनअप देख लो, हमारी बाइकों का लाइनअप हो गया, और यहाँ पे जिसको फ़ोटो खिंचानी है वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और जिसको पिक लेना है वो पिक ले रहे हैं, ठीक है। फ़ोटो मतलब सेम ही हुआ है पिक, और जिसको वीडियो बना रहा हो वीडियो बना रहा है, ठीक है। और भाई क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यार, मतलब इतनी सारी बाइकों के सामने जब कोई इतनी सारी बाइकों के सामने देख रहे हो, मतलब क्या खतरनाक नज़ारा, एक से एक खतरनाक नज़ारा। भाई ये देखो बर्न आउट खतरनाक वाली, एक बार और पांच सौ किलोमीटर डाउन हो गए उसके टायर से। अब हम लोग यहाँ चल रहे हैं कालिका हवेली, कालिका ढाबा हवेली जो भी है, ठीक है। वहां पे अभी पीछे वाले लौंडे का क्रेज देखो, अबे इसका बना R15 फर्स्ट है, R15 अभी हो रहा था। मैं भी आ जाऊं, पीछे क्यों उड़ रहा है भाई।
कौन है। भाई ड्रैग रेस में कहाँ R15 और NS था, सॉरी F250 थी, F200 था आई थिंक। ये जो ब्रेक पॉइंट ढाबा था हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर लिया ठीक है, और टाइम अभी हो चुका है 9 बज गया भाई, 8:58 होने लगा, तो अब डिसाइड करेंगे निकलते हैं फिर। और भाई यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है CVR 650 पे ठीक है, तो निकल लो। शाम को मिलते हैं।